सुरक्षा आज सम्मेलन में यहाँ पर मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने भारत की संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में फहराया है, आध्यात्म के पुरोधा और संस्कृति के जेता पूज्य क्षेत्र में प्रणाम गिरी जी महाराज, हमारे मंच पर उपस्थित सभी आप देश के कोने कोने से आए हमारे सभी क्षेत्रों के विशिष्ट जन जो आज हमारे अतिथि के रूप में इस प्रदेश में इस सम्मेलन में पधारे हैं, और इस राष्ट्र रक्षा कुंभ के प्रेरणा के स्रोत हिमालय परिवार के संरक्षक परमादरणीय इंद्रेश कुमार जी, हमारे बीच में सौभाग्य से आप यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सत्संग चालक जी, पूज्य अशोक मेरी जी, पूज्य भाई जी, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इधर से उधर तक सभी आज शायद ये देश का नहीं दुनिया का अपने प्रकार का ये जो राष्ट्र रक्षा कुंभ हो रहा है, मैं देवभूमि इस हिमालय प्रदेश में आप सब लोगों का स्वागत करने के लिए आया हूँ। मेरा स्वागत स्वीकार है, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूज्य सुदर्शन जी भी आप यहाँ पर हैं। मैं सोचता हूँ कि आदरणीय चार्य जी जब यहाँ पर परिचय करवा रहे थे तो मुझे लगा कि ये एक सुखद संयोग है जब इस देवभूमि में एक महाकुंभ हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया के लगभग 6 करोड़ से भी अधिक लोग इस गंगा के पावन तट पर माँ गंगा की अमृत जल से अपने को पवित्र करके एक नई आस्था के साथ वापस लौटेंगे। ऐसे समय में ये राष्ट्र रक्षा का ये जो महाकुंभ है, ये भी दोनों कुंभों का संयोग निश्चित रूप में पूरे देश और दुनिया में एक नई दिशा देगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मैं तो आप सबके स्वागत के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप जिस प्रदेश में पधारे हैं, ये भारत का भाल है, ये माता है, ये देवतात्मा हिमालय है। भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु रहा है और उस विश्वगुरु का ये माता है, इसलिए इस भारत भाल हिमालय प्रदेश में आपका मैं वैसे भी स्वागत करना चाहता हूँ। ये गंगा का प्रदेश है, गंगा की धरती से स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग से उतर करके आई, और उस गंगा ने भी मानव मात्र की रक्षा की दिशा में, मानव मात्र के उत्थान के लिए अनवरत तमाम थप्पड़ खाने के बाद भी जो गौमुख से चलते हुए गंगा सागर तक, और जिसने अपने अस्तित्व को विलीन नहीं किया, तमाम कठिनाइयों के बाद भी यदि सागर में समाई तो सागर गंगा ने कहा, गंगा ने सागर को भी अपने में समाहित किया, गंगा सागर हो गया। ऐसे गंगा के प्रदेश में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। ये प्रदेश दो दो विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। इस प्रदेश का औसतन 1 परिवार से 1 व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी देता है, देश की आजादी से पहले हो या देश की आजादी के बाद। जितने भी युद्ध हुए हैं, उतने सभी युद्ध यहाँ तक कि कारगिल तक जितने भी युद्ध हुए हैं, पहली पंक्त में सर्वाधिक बलिदान देने वाले, यदि उन बलिदानियों में कुर्बानी देने वाले, उन शहादत देने वाले, उन यशस्वी भारत माँ के पुत्रों में यदि सर्वाधिक संख्या रही होगी उस अवसर से, तो उत्तराखंड के सपूतों की रही है। इसलिए वीरों की धरती भी है और इस वीरों की धरती पर मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की भी धरती है, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि सेना के थल, नव और जल तीनों सेनाओं के बहुत वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण भारत माँ की सेवा में अपने को खपाया है। वो सभी लोग
विभिन्न क्षेत्रों से जो वरिष्ठ प्रशासनिक सेवाओं में रह करके जिन्होंने इस देश की नीतियों को तय किया है और इस देश को पूरे विश्व में गौरव दिलाने का काम किया है, ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। सभी प्रकार के लोग यहाँ पर हैं और इसलिए मैं इस भारत की ये संस्कृति का प्राण भी है, उत्तराखंड भारत की संस्कृति का प्राण है और दुनिया के आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया के आध्यात्म की राजधानी है। जब जब भी कोई व्यक्ति भटका है, अंदर बाहर में छटपटा है, कुहासा हताश और निराशा से गुजरा है, दुनिया का कहीं भी किसी छोर का भी क्यों न इंसान रहा हो, तब तक वो इस धरती पर आया है और यहाँ से एक नया जीवन लेकर उन्हें वापस गया है। ऐसे धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत विनम्रता से। यहाँ चार धाम है, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, यहाँ हरिद्वार है ऋषिकेश है, यहाँ हेमकुंड साहिब है, गुरु नानक पता है, तमाम प्रकार के शक्तिपीठ हैं। और यदि देखा जाए तो वेदों की भी धरती यही है। चार वेदों को जिसने सारी दुनिया जिस ज्ञान में समाहित हुई है, उन ज्ञान के असीम भंडार भी इस उत्तराखंड की धरती पर इस हिमालय में है। यही वेद व्यास का जन्म हुआ है, तो यही कालिदास का जन्म हुआ है, तो जिस महापुरुष के नाम पर इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, उस वीर भारत की जन्मस्थली भी उत्तराखंड ही है। इसलिए आपका मैं फिर अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस धरती पर ये पुरुषार्थियों की धरती रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ गंगा के पावन तट पर इतना महत्वपूर्ण ये सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन न केवल एक क्षेत्र के लिए, न केवल इस देश के लिए, बल्कि इस ढंग का अद्भुत सम्मेलन ये पूरे विश्व को एक दिशा देगा, क्योंकि भारत यदि सशक्त रहेगा, भारत सबल रहेगा, तभी दुनिया में सुख और शांति रहेगी। भारत कमजोर रहेगा तो दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती है। और इसीलिए क्योंकि ये भारत का जो हमारा मूल चिंतन रहा है, जहाँ हमने पूरी दुनिया को अयम निजाह परोगे थी, गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाला केवल भारत ही हो सकता है। और उस परिवार के केवल कुटुंब मानने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ आज पाश्चात्य देशों ने पूरे विश्व को एक बाजार मान लिया है, वहाँ भारत की ये धारणा रही है कि पूरे विश्व को हमने अपने परिवार के बारे परिवार के रूप में माना है। और उस परिवार की फिर रक्षा के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसी परिकल्पना भी यदि की है, तो वो केवल मेरे भारत ने की है। दुनिया का कोई देश, कोई सिद्धांत, कोई वाद ऐसा नहीं कह सकता जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता हो और फिर उस परिवार की सुख और संपत्ति और सौहार्दता की कल्पना के लिए अपने को भी न्योछावर कर देता हो। ये भावना यदि कहीं बलवती है तो केवल हिंदुस्तान की है। और इसलिए भी ये राष्ट्र रक्षा कुंभ इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या वीरता के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में, आज आर्थिक दृष्टि से भी सुरक्षा की जरूरत है। हमारा देश तो सोने की चिड़िया कहलाता है, हमारा देश सांस्कृतिक दिशा में विश्व गुरु का एक देश पूरी दुनिया के लोगों ने हमसे आकर के सीखा है। शिक्षा के भी क्षेत्र में मैं सोचता हूँ सभी लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि उस दिशा में भी रक्षा की जरूरत है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी तो अपने देश के अंदर थे, सारी दुनिया वहां आकर के शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्थिक दृष्टि से भी अभी ये पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया, हिंदुस्तान ही ऐसा देश था जो अपने कदमों पर खड़ा रहा, इसकी बिल्कुल अपनी विशेषता है। और इसके अर्थ की दिशा में भी हम पूरी दुनिया में आगे हैं। हर दृष्टि से आज राष्ट्र रक्षा की दिशा में जो